अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे फैसल कुरैशी की वो वीडियो जिस पर उन्होंने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम पर शदीद गुस्से का इजहार किया और साथ ही वीडियो शेयर कर दी। वीडियो शेयर करके फैसल कुरैशी ने सबको एक मैसेज भी दिया है, तो चलते हैं वो वीडियो देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फैसल कुरैशी हियर। एंड ये वीडियो स्पेशली आमिर लियाकत मरहूम के लिए। मरहूम कहता हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आता बाय द वे। सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, बच्चे बहुत अपसेट हैं, घर वाले बहुत अपसेट हैं, जितने भी लोग उनसे मुंसलिक रहे हैं, जो दोस्त हैं, तमाम लोग बहुत अपसेट हैं। हम अदालत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नज़र सानी करें। खुदा रहा, बहुत पेनफुल है ये सारा कुछ, जो इस वक्त एक अननोन आदमी की दरख्वास्त पे सारा कुछ किया जा रहा है। और सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं, कोशिश हमने की कि हम किसी तरह से इसको रोक सकें, लेकिन प्लीज़ एक वक्त है अभी थोड़ा सा, तो अगर खुदा रहा इस पे। इसके अलावा फैसल कुरैशी ने कुछ दिन पहले भी एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें उन्होंने अदाकारों को आड़े हाथों लिया था जिन्होंने आमिर लियाकत के नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। फैसल कुरैशी ने स्टोरी में लिखा कि ये दुनिया सिर्फ सोशल मीडिया तक रह गई है, कोई जिए या मरे बस स्टेटस लगा दो। फैसल कुरैशी ने स्टेटस लगाने वालों पर शदीद गुस्से का इजहार किया और उन्होंने बताया कि किसी के जनाजे में आकर अफसोस नहीं करते, बस स्टेटस लगाकर सोशल मीडिया पर रहने की कोशिश करते हैं। फैसल कुरैशी ने यह भी लिखा कि ये देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि जिसके लिए आमिर लियाकत ने इतना सब कुछ किया, उन्होंने भी आमिर लियाकत के जनाजे में शिरकत नहीं की। उन्होंने मज़ीद ये भी लिखा कि जो लोग शहर में मौजूद नहीं थे उनका समझ आता है, लेकिन जिन लोगों ने कराची शहर में होते हुए भी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की, उनके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि ये दुनिया सोशल मीडिया तक रह चुकी है और ये दुनिया मतलबी भी है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।